देख रहे हैं सोमायरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मानसी राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत आने वाले रसवा ग्राम में नशे में धुत एक व्यक्ति ने पैदल चल रही स्कूल बालिकाओं को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। मृत बच्ची का नाम गायत्री, पिता काशीराम बताया जा रहा है। साथ ही सावित्री के सर में चोट लगने से उसे बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं दो अन्य बालिकाओं को निसरपुर स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए लाया गया। ये सभी बच्चियां कक्षा 10वीं की छात्रा हैं जो दशलया स्कूल से अपने अपने घर जा रही थी। मृत बालिका दशलया वाले स्कूल से अपने अपने सहेलियों के साथ अपने अपने गांव जा रही थी। पुलिस ने मौके पर जाकर मोटरसाइकिल MP08MA2633 को जब्त किया है और आरोपी को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 379, 337 और 304A के तहत केस दर्ज किया गया है। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया। वहीं स्कूल में भी इस घटना को लेकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। स्कूल से 5-6 लड़कियां पैदल पैदल अपने घर की ओर आ रही थी। ग्राम रसवा और रेक्टी के बंदी मोटरसाइकिल क्रमांक MP01MA2633 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मार दी, जिससे गायत्री, पिता काशीराम निवासी रसवा की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा सावित्री नामक लड़की की सिर में चोट आई है, जिसे बड़वानी रेफर किया गया है। धारा 304A 279, 337 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।